हेलो एंड वेलकम टू दिस डेली क्विज सेशन। और आज भी हम करंट अफेयर्स से क्वेश्चन लेंगे, इसके अलावा यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी करेंगे। आगे हम बढ़ें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे 2023 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स यहाँ पे अन अकेडमी पे है। तो ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड इन अराउंड 250 आवर्स। 1 मार्च से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट। और इस कोर्स ये जब आप कोड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी फीस 5999 हो जाती है। कोर्स की लिंक इस टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे ASD भी कहते हैं, इसके बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग। ASD इज अ काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है? क्या इसकी वजह से आप देखेंगे सोशल कम्युनिकेशन बिहेवियरल चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं? दो स्टेटमेंट हैं, तो ट्राई टू गेट योर आंसर। देखिए, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अगर हम देखें लगभग WHO के अकॉर्डिंग 100 में से एक बच्चे को तो ये इम्पैक्ट कर ही रहा है, और बिल्कुल ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो बच्चों को कम्युनिकेशन रिलेटेड चैलेंजेस हैं, फाइन, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी है, बिहेवियरल चैलेंजेस देखने को। तो इन दिस क्वेश्चन बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। आंसर गोज सी, सी आपका सही उत्तर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इस श्रेणी में आता है। और इसको देखोगे तो आज जो हिंदू था, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि जो ऑटिज्म डिसऑर्डर हैं इनका एक कारण हमारे जो गट माइक्रोबायोम है, हमारे जो गट है, स्टमक और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इम्बेलेंस होना भी इसकी वजह से जुड़ा हुआ है। और अगर हमारा गट माइक्रोबायोम सही हो जाता है तो हम ऑटिज्म को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। So this was in today's The Hindu article. You should be aware about microbiome also along with this autism thing. Let's move to the second question. Sea buckthorn पे चर्चा है. This has been in news a lot. Sea buckthorn एक तरह की shrub है, झाड़ी है, which produces an orange yellow edible berries. इसके खाने लायक जो berries होती हैं वो ये बनाता है। इसके बारे में आपको कुछ statement दिए गए हैं। क्या ये folk medicine के रूप में use होता है, traditional medicine, local medicine के रूप में? क्या इंडिया में ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे उस एरिया में मिल रहा है? क्या ये सॉइल बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है, मतलब सॉइल इरोजन को रोक रहा है, मृदा अपरदन को रोकता भी है? सी बकथॉर्न की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज इंडीड द राइट वन। काफ़ी सारे इसके यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें बहुत हर किसी न किसी फ्रूट के, वेजिटेबल के, फॉक मेडिसिन में देखोगे कुछ ना कुछ यूज़ निकलता ही है। इसका भी यूज़ है स्किन प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम्स में। और इंडिया में अगर हम देखें तो ये हिमालयाज में मिल रहा है, हिमालयाज में मिल रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए, हमने पहले भी इसको डिस्कशन में लिया है कि जब भी आपको दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं ट्राई टू गो फॉर एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जब आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यू विल गेट योर आंसर सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह का दिखता है, जैसे आपको पीछे पिक्चर दिखाई दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया गया था, उसके बाद से लगातार चर्चा में ये बना हुआ है। जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, तो यहाँ पे भी आपका मिल रहा है, हिमालयन रीजन में आपका मिल ही रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। दिस क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसिरोस है, क्या इसके अंदर लगभग 2/3 जितने भी हैं उसका लगभग 60% से ज़्यादा यहाँ पे होस्ट है, मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, उनका हैबिटेट है ये? क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? फर्स्ट स्टेटमेंट में दो आपके फैक्ट्स इंक्लूड हो गए हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की तरफ से क्या इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है? देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में आता है जैसा आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में पाया जाने वाला जो राइनो है, जो गैंडा है, एक सींग वाला, वन हॉर्न राइनोसिरोस, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे है, और लगभग 2/3 के आसपास ये यहाँ मिलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इंक्लूड किया गया है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए इज़ द राइट आंसर। टाइगर रिजर्व भी इसको इंक्लूड कर लिया था 2006 में। नेक्स्ट आते हैं UPSC के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो UPSC प्रीलिम्स ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि आपको UPSC इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर आपको आता है तो आता है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा यहाँ पे जो है बताया जाता है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन वुमेन पिटिशन के द्वारा, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसमें आंसर जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और ए इज़ द राइट आंसर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किए जाने वाले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी का पता लगाया जाता है, और इसमें चार मेजर डायमेंशन है। इन डायमेंशन को भी याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको याद होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स डिस्कस किया था, उसमें डायमेंशन पे ही पूछ लिया था, मतलब किस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिस क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, एजुकेशन अटेनमेंट, पॉलिटिकल अटेनमेंट और हेल्थ। तो हेल्थ एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स रिलीज करता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आ गया, ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये मेजर रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज की जाती हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी यूपीएससी ने प्री में 2017 में पूछा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो डिसाइड करती है, आरबीआई की जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जैसे पॉलिसी रेट, रेपो रेट वगैरह, क्या ये सब डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है, क्या ये 12 मेंबर की कमेटी है जिसके अंदर गवर्नर भी आरबीआई के हैं, और क्या इसको हर साल बनाया जाता है। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप, क्या यहाँ पे जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, अगेन तीन स्टेटमेंट है, यहाँ पे एलिमिनेशन लग रहा है, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने ही पूछा है। फाइन, एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे, देखो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के 3 सरकार के, ताकि कोई लड़ाई ना रहे, ठीक है, इतना आपको पता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो 100% गलत है, सेकंड स्टेटमेंट जब गलत हो गया तो इसको एलिमिनेट करो। अब या तो थर्ड ही सही है या फर्स्ट ही सही है। अब चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और ये बिल्कुल, ये बेंचमार्क रेट जो रेपो रेट वगैरह ये डिसाइड लेता है, मेजोरिटी डिसीजन होता है, टाई के केस में गवर्नर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, आंसर गोज ए, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, एलिमिनेशन और ये सब वर्क कर रहे हैं, सो यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू डेवलप दिस एप्टीट्यूड वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल ईयर, सेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, इस क्लास का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ मिल जाते हैं, जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मौका है। आज लास्ट डे है टू अवेल दिस यूज 30% डिस्काउंट, ये आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड आरबी लाइव, और यहाँ पे 50,000 रुपये इसकी फीस है, जिसमें आपका जीएस प्री मेंस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग दिस टेस्ट सीरीज। तो एक ही बार ये फीस देनी है और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज आपको मिलते हैं, नए बैच आपके 16 तारीख से स्टार्ट हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन जा रहे हैं तो ओल्ड राजेंद्र नगर में पूरा ऑफलाइन कोर्स पढ़ सकते हैं, 0% ईएमआई ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है। सो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।